Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. In today's video, I will be discussing Shakespeare as our dramatist. Before this, I have recorded a video on the biography and works of William Shakespeare. For that, click the link in the description box. So let's get started. जब मैंने वीडियो बनाई थी बायोग्राफी और वर्क्स पर शेक्सपियर के, तो उस वक्त मुझे बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे थे कि मुझे एक वीडियो जो है शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट पर भी बनानी चाहिए. सो आई थॉट कि मुझे आज ये वीडियो बना लेनी चाहिए. तो शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट की एक प्रॉपर आउटलाइन है जिसको आपको जहन में रखना होगा जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे, या शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट को जब भी आप डिस्कस करें तो इसमें यह नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट डिस्कस करना स्टार्ट कर दें. तो कमिंग टूवर्ड्स दिस वेरी क्वेश्चन, शेक्सपियर का सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि वो पैदा कहाँ पर हुए. उसके अलावा हम ये बताएंगे वो पैदा कब हुए, और इनको जो है बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है एवन में पैदा हुए थे. उसके अलावा ये जो है इनके साथ बहन भाई थे, और ये जो है ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स. ठीक है, सबसे बड़े बेटे थे. ठीक है, वैसे सबसे बड़े नहीं थे अपने सिबलिंग्स में, लेकिन बेटों में सबसे बड़े थे. ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इनके जो फादर थे, ही वॉज अ ग्लव मेकर, ही वॉज अ सक्सेसफुल मर्चेंट. ठीक है, जो है अब उन्होंने अपना बहुत अच्छा पीक टाइम देखा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा डाउनफॉल भी आ गया. और शेक्सपियर जो है उन्होंने कोई प्रॉपर स्कूलिंग जो है उनकी नहीं हुई थी. ठीक है, ही नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी. ठीक है, और उन्होंने एक लोकल स्कूल में जो है वहाँ पर कुछ टाइम जो है वो पढ़ा था, और उसके बाद उन्होंने जो है स्कूल को गुड बाय कह दिया. और शेक्सपियर के बारे में ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर जो हैं वो खुद नहीं लिखते थे, और शेक्सपियर जो हैं उनके लिए कोई और लिखता था. और शेक्सपियर के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर की कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी. शेक्सपियर जो है वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, और शेक्सपियर जो है वो अपने नाम का जो एक तो स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखते थे और प्रोनाउंस भी ठीक नहीं करते थे. और ये जो सारी बातें हैं इनको जो है वजह बनाकर कहा जाता है कि हाँ, शायद शेक्सपियर जो हैं वो उनके लिए कोई और लिखता था. और अगर शेक्सपियर की इन सारी वजूहात को जो है वो ज़ेरे नज़र रखा जाए, तो एक ऐसा शख्स जो यूनिवर्सिटी ही नहीं गया, या जो अपने नाम के स्पेलिंग्स तक भी ठीक नहीं लिख सकता, वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ और इतनी बड़ी बड़ी कॉमेडीज़ जो है उनको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है. फिर शेक्सपियर की जो मैरिटल लाइफ है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो शेक्सपियर ने जो है 18 साल की उम्र में अपने से 8 साल बड़ी एक औरत से शादी की थी जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी. ठीक है, और जब इनकी उनसे शादी हुई तो उसके 6 माह बाद ही इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो पैदा हुई थी. ठीक है, उसके अलावा इनका एक बेटा जो हैमलेट था वो उसकी डेथ हो गई थी जब वो 11 साल का था. और इनका जो प्ले है, इनकी जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन माना जाता है इनकी इस बेटे के साथ. ठीक है, और इनकी जो ट्रेजेडी है हैमलेट उसका कनेक्शन माना जाता है. अब क्या है कि शेक्सपियर की बारे में अगर हम इस तरह से बात करें कि उन्होंने जो है अपने करियर का आगाज़ किस तरह से किया, तो वो उन्होंने एक ड्रामा कंपनी जो थी उसको ज्वाइन किया था. थिएटर भी करते रहे, उसके अलावा उन्होंने वो जो कंपनी थी वहाँ पर वो काम करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते 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 वो उस कंपनी के जो है वो ऑनर बन गए. और इनका जो इनकी कुछ लाइफ है, कुछ लाइफ का कुछ टाइम पीरियड है, उसके बारे में हमें कुछ जो है वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं मिलते. इस टाइम को जो है वो डार्क एरिया या डार्क पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ कहा जाता है. और शेक्सपियर जो है वो लंदन चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारा जो है वो उनको प्रोग्रेस मिली. और फिर क्या है कि ये एलिज़ाबेथन एरा से जैसे कि बिलोंग करते हैं, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जैसे कि पता है कि एलिज़ाबेथन एरा जो है उसमें जो है जो जॉनरा सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया वो ड्रामास का ही है. तो शेक्सपियर जो है वो एज अ ड्रामाटिस्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है. ही वॉज़ अ फेमस प्ले राइट, ही वॉज़ अ फेमस ड्रामाटिस्ट. और सिर्फ ड्रामाटिस्ट ही नहीं थे, उन्होंने जो है एक फ़ेमस पोइट भी हैं, और उन्होंने जो है बड़ी फेमस यू नो अपनी जो है सोनेट्स भी लिखी हैं. और उनकी जो सोनेट्स हैं वो बेसिकली ये किसी को भी दिखाना नहीं चाहते थे, पब्लिश करवाने के हक़ में भी नहीं थे, सिर्फ उनको जो है अपनी डायरी पर लिखते थे. और इनकी जो ये ब्लैक लेडी के बारे में इन्होंने ये लिखी हैं, और उसके अलावा अपने एक दोस्त के बारे में लिखी हैं। इनकी ये 154 सोनेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनको जो है सिलेबस में भी इंक्लूड किया जाता है। अब कमिंग टूवर्ड्स ड्रामाटिस्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया 16वीं सेंचुरी में ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, थिएटर्स जो हैं वो नए से नए खुले, और एलिज़बेथन एज में बहुत ज़्यादा जो है ड्रामा को पजीराई मिली, और क्वीन एलिज़बेथ जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है ड्रामास पे फोकस किया, और किंग्स वगैरह के लिए जो है वो ड्रामास जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे। और इससे पहले क्या था कि सिर्फ किंग्स और जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन उसने जो है ड्रामा को एक इस तरह की चीज़ बना दिया कि आम जो इंसान है, एक ले मैन है, वो भी ड्रामास को जो है उस तक उसकी भी पहुँच थी, और वो भी जो है वो ड्रामास को जो है वो इक्वली इन्जॉय कर सकता था। उसके अलावा क्या है कि शेक्सपियर जो हैं इनके ये एक बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट तो हैं ही, तो इनका जो ड्रामाज से रिलेटेड टाइम पीरियड है, इन्होंने तकरीबन 37 जो है वो प्लेज लिखे थे, 37-38, और उनमें जो है कुछ ट्रेजिडीज़ हैं, कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ ट्रैजिक कॉमेडीज़ हैं, और कुछ जो है वो रोमांसेज हैं, और कुछ वर्क जो है उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन में भी लिखा था। उसके अलावा शेक्सपियर जो हैं ये एक बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे कि मैंने आपको कहा, ड्रामाटिस्ट हैं, तो एलिज़बेथन एज में ड्रामा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखा जाता था, और एलिज़बेथन एज में जो है ब्लैंक वर्स को जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले शख्स जो थे वो शेक्सपियर को ही माना जाता है, और शेक्सपियर जो है वो एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है। और ये कहा जाता है कि इनसे पहले आने वाले जो कुछ लोग थे यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह, उन्होंने जो है वो शेक्सपियर के लिए ग्राउंड जो है वो बनाया था, दे मेड द सरफेस, दे मेड द ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। और कहा जाता है कि मार्लो जो है, मार्लो ने जो है सरफेस को जो है वो बनाया था, ग्राउंड जो है उसको बनाया था शेक्सपियर के लिए। और कहा जाता है कि मार्लो, ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है वो मार्लो लिखते थे और शेक्सपियर जो है वो अपना नाम यूज़ करते थे, और शेक्सपियर जो है वो फेमस हो गए। और ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर के फेमस होने की शायद एक वजह यह भी है कि मार्लो की जो अनटाइमली और बहुत अर्ली डेथ थी, वो शायद वजह है शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा मशहूर होने की। अगर मार्लो ज़िंदा रहते तो शायद शेक्सपियर जो हैं वो इतने मशहूर ना हो पाते। उसके अलावा शेक्सपियर ने जो है ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया, और शेक्सपियर ने जो है वो बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, रोमांसेस लिखे, उसके अलावा इन्होंने ट्रैजिक कॉमेडीज़ लिखी, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो ड्रामास का पीरियड है, इसको हम 4 जो पार्ट्स हैं या 4 पीरियड्स हैं उनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इनका टाइम होता है स्टार्ट, वो इनका 1888 से स्टार्ट होता है और 1993 तक जो है ये तकरीबन एंड होता है, 1903 तक ये एंड होता है। और इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले जो है ये एक चीज़ आती है कि इस टाइम में ये जो है इनका एक्सपेरिमेंटिंग टाइम था, प्रिपरेटरी टाइम था, इसमें इन्होंने प्रिपरेशंस की, और इस टाइम में इन्होंने जो है बहुत कुछ अच्छा जो है वो प्रोड्यूस किया। और उसके अलावा जो सेकंड पीरियड ऑफ टाइम है वो 1904 से लेकर जो है वो 1904 से लेकर 1916 तक का, और फिर मतलब इस तरह से 4 पीरियड जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जिसमें उन्होंने बहुत सारा ट्रेजेडीज़ जो हैं प्रोड्यूस की, और बहुत फेमस ट्रेजेडीज़ प्रोड्यूस की, जिनमें हमारे पास किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो, उसके अलावा हेमलेट वगैरह जो हैं वो आती हैं। फिर कॉमेडीज़ जो इन्होंने लिखी, उनमें जो है कुछ फेमस कॉमेडीज़ हैं। उसके अलावा इन्होंने एक टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत फेमस अपनी ट्रेजेडी जो है रोमियो एंड जूलियट उसको लिखा। उसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनस जो है वो भी इनकी बड़ी फेमस ट्रेजेडी है, और मर्चेंट ऑफ वेनस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उसका आइडिया जो है, मर्चेंट ऑफ वेनस का आइडिया इन्होंने मार्लो के जो ट्रेजेडी थी द ज्यू ऑफ माल्टा उससे जो है ग्रैब किया था, और फिर उसका उसको देखकर जो है इन्होंने वो लिखा था अपना जो इनका ड्रामा था, जो इनकी ट्रेजेडी थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको। और ये जो है इनकी एक बहुत फेमस ट्रेजेडियन है, बहुत फेमस कॉमेडियन है। उसके अलावा क्या है कि ये जो है ये इस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं कि ये एक इनके बारे में कहा जाता है कि ये ही यू नो ब्रेथ द लाइफ इनटू द कैरेक्टर्स, और उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं। और इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो हमें ड्रामाज नज़र आते हैं उनमें हमें फ़ीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। उसके अलावा जो शेक्सपियर हैं वो एक इनका अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इनके ड्रामास में जो है वो नोवेलिटी पाई जाती है। और इनके जो ड्रामास हैं, इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं, उसका एक ख़ासा ये है कि उसमें जो है मैक्सिमम पीपल जो है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और एंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैजिक हमें नज़र आता है। और इनकी जो एक आप कह लें कि जब इनका हम इनके ड्रामास को, इनकी ट्रेजेडीज़ वगैरह को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने कोई भी जो कैरेक्टर है उसको मीनिंगलेसली या यू नो पर्पसलेसली जो है अपने ड्रामा में ऐड नहीं किया। कोई छोटा सा छोटा, माइनर से माइनर कैरेक्टर भी है तो उसका भी कोई बहुत मेजर रोल है जो वो वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जो है वो ड्रामा में मौजूद है, स्टेज पर आता है। और शेक्सपियर जो हैं वो एक जो इनकी एक बहुत फेमस ट्रेजिक कॉमेडी है उसका नाम है टेम्पेस्ट। उसके अलावा मैंने कुछ इनकी ट्रेजेडीज़ जो कवर की हैं उसके मेजर लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। इसमें जो इनका आपने देखा होगा कि जो इनकी ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जो इनका इवल कैरेक्टर होता है वो बड़ा जो है वो बड़ा प्लानर होता है, जैसे आयागो को आपने देखा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शेक्सपियर के ड्रामास में जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट जो है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आप लोग चाहें डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको एज अ ट्रेजेडियन और एज अ कॉमेडियन अलग अलग भी जो है वो डिस्कस कर दूंगी। फेमस जो इनके प्लेज हैं उनमें ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, उसके अलावा इसमें आपके पास जो हैं वो रोमियो एंड जूलियट, उसके अलावा आपके पास इसमें आता है इनका जो एक फ़ेमस प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इस पर नज़र आती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ discussion of Shakespeare as a dramatist. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.